हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो अभी जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से CUET UG में जो लोग अप्लाई किए थे उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन आया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो को एंड तक बने रहिए क्योंकि अगर ये चीज़ें आप सही नहीं करोगे तो आपका एडमिशन भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ कैंडिडेट का क्या है कि जो मिस्टेक किए हैं वो उनके लिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, क्योंकि वो फॉर्म फिलअप करते टाइम में क्या है कि CUET UG का अप्लीकेशन नंबर उन्होंने डाला ही नहीं, ठीक है। अब उनका लिस्ट आया, लगभग लगभग 66 पेजे हैं और 66 पेज में अपना नाम खोजिए, ठीक है। सबसे अच्छा रहेगा कि यहाँ पर आपको सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सर्च कीजिए, अपना नाम देख लीजिए कि हाँ जो भी कोर्सेज में आप अप्लाई किए हो आपका दिख जाएगा। या तो अपना कोर्सेज वाइज, जैसे BA हिस्ट्री ऑनर्स का जितने भी कैंडिडेट हैं उनका आ रहा है, कोर्सेज वाइज आ रहा है, आप अपना नाम देखिए, फादर नेम देखिए, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट का CUET UG का अप्लीकेशन नंबर आपने नहीं दिया, इसलिए आपका नाम आया, आपने मिस्टेक किया है। तो आपको CUET UG का अप्लीकेशन नंबर देना होगा। कहाँ देना होगा वो हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, वहाँ पे आपको बता देते हैं कहाँ पे आपको डाउनलोड करिएगा इस PDF को, ठीक है। क्योंकि ये PDF को एक्सेस करना काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको एक्सेस करना ही करना है। जो लोग अप्लाई किए हैं, काफ़ी आपके लिए लिमिटेड टाइम दिया गया है, 2 दिनों का वक्त दिया गया है, तो इस बीच में अपना सारा प्रोसीजर को कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको मेरिट लिस्ट के लिए कंसाइडर नहीं किया जाएगा, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे वो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट वेस्ट हो जाएगा और आपका जो कितना भी अच्छा नंबर है, 200 में 200 है, तभी भी आपका एडमिशन नहीं होगा जब तक आप अप्लीकेशन नंबर नहीं भेजोगे। सबसे पहले वेबसाइट पर चलते हैं, वेबसाइट पर आपको जानकारी दे देते हैं, फिर आपको वन बाई वन क्या क्या चीज़ों को भेजना है वो हम लोग बात करेंगे, कहाँ पर भेजना है आपको वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है JMICOE.in, वो वाला वेबसाइट आपको दिख जाएगा, यहीं पे आपको क्लिक कीजिएगा, ये वाला वेबसाइट आपके सामने दिख रहा है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको नोटिस वाला सेक्शन दिखेगा, यहीं पे आपको स्लैश करते दिखेगा, अर्जेंट नोटिस फॉर JMIUG कोर्सेज फॉर विच एडमिशन टेस्ट कंडक्टेड बाई CUET 2024-2025, यही आपका नोटिस है, ठीक है। तो यही नोटिस को आपको वहीं पे आपको क्लिक कीजिएगा, तो जो मैंने PDF दिखाया आपको वही PDF आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। लगभग 81 MB का PDF है, तो घबराना नहीं है, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये सामने आपको RSS करते हैं, अर्जेंट नोटिस फॉर JMIUG कोर्सेज फॉर विच एडमिशन टेस्ट कंडक्टेड बाई CUET 2024-2025, वहीं पे आपको कर लेना है, ठीक है। और आपको अब PDF पे डायरेक्ट लेके चलते हैं। जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, यूनिवर्सिटी एडमिशन रिजल्ट जब आएगा तब बात किया जाएगा, अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग बात करते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट PDF पे, आपको कैसे पता चल चुका है कि कैसे आपको PDF को एक्सेस कर लेना है, ठीक है। तो सामने आपको नोटिस दिया गया, ये ध्यान से समझिए, ठीक है, काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। नोटिस में लिखा गया, द फॉलोइंग एप्लीकेंट्स फॉर CUET UG 2024 हुज नेम आर लिस्टेड बिलो आर रिक्वेस्टेड टू फिल द करेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ CUET UG इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डिस्क्रिप्रेंसी इन द JMI फॉर्म सबमिटेड ऑन द अटेस्ट फॉर्मेट टू एडमिशंस 2024@JMI.ac.in लेटेस्ट बाई 25/8/2024 फिलिंग विच द कैंडिचर ऑफ सच अप्लीकेंट शैल नॉट बी कंसाइडर फॉर प्रोसेसिंग द मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन। तो इन्होंने ये बोला है कि जो भी मतलब कैंडिडेट थे, अप्लाई किए थे CUET UG के कोर्सेज में, जिनका नाम नीचे दिया गया, जो भी कोर्सेज में आपने अप्लाई किया था, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर जो CUET का रजिस्ट्रेशन नंबर था उन्होंने करेक्ट नहीं दिया था, कोई कैंडिडेट नहीं दिए थे, तो वो अपना CUET का जो अप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, वो लोग रजिस्ट्रेशन नंबर बोल रहे हैं, तो अप्लीकेशन फॉर्म ही फॉर्म पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, अप्लीकेशन नंबर करके लिखा होगा, उसी को आपको से भेजना है, ठीक है, जामिया को मेल कीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट मेल करना है। कौन से मेल पर करना है तो ये आपके सामने दिख रहा है, मैं जूम कर देता हूँ, admissions2024@JMI.ac.in पे अपना जो अप्लीकेशन नंबर है CUET UT का, तो उसको आप भेज दीजिए, ठीक है, ध्यानपूर्वक भेज दीजिएगा। और साथ में क्या क्या भेजना है ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अपना नाम भेजिएगा, फादर नेम, मदर नेम, CUET का अप्लीकेशन नंबर भेज दीजिएगा, इतना आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको भेज दीजिए। या तो आप लिख के भेजिए, वहाँ पे मेल पे लिख के भेजिए, या आप कहीं पे पेपर में भी लिख के या अटैच करके भेज सकते हो। मैं कहूँगा मेल पे डायरेक्ट जैसे लिखते हो वैसे ही आप लिख के भेज दो, उनके पास डायरेक्ट चला जाएगा।
तो आपको एप्लीकेशन नंबर कब तक भेजना है? तो 25 अगस्त तक आप अपना एप्लीकेशन नंबर भेज दीजिएगा, ठीक है? 25 अगस्त के बाद से अगर आप भेजिएगा तो आपको कंसाइडर नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिए, अगर आप नहीं भेजें तो आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। भले ही आप 200 में 200 लाए हो, आपका नहीं आएगा। भले ही 250 लाए हो, जैसे डोमेन का 200 में 200 जिनका आया हो, या जो भी जनरल टेस्ट दिए होंगे उनको 250 में 250 आया हो, तो आपको कंसाइडर नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिए। इसलिए 25 तारीख तक ये वाले सामने जो ईमेल आईडी दिख रहा है वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर भेज दीजिए, साथ में अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम और एप्लीकेशन नंबर भेज दीजिएगा। CVT UG का अपना एप्लीकेशन नंबर निकाल लीजिए, जो भी आपने CVT UG का फॉर्म भरा था NTA के वेबसाइट पे, वहाँ से जाकर आप निकाल लो, ठीक है? होप यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। अपना नाम देखिए, सिंपल सा आप यहाँ पे सर्च कर लो, ठीक है? जैसे यह BA हिस्ट्री ऑनर्स का यहाँ पे दिख रहा है, तो लगभग 66 पेज हैं, तो समझ सकते हो कितने कैंडिडेट का आपका गलती है। ये तो सिर्फ गलती वाले हैं, और ये भी ध्यान रखिए बहुत सारे कैंडिडेट का बोलेंगे कि भैया मेरा इसमें नाम नहीं है। तो देखिए, जिनका नाम नहीं है उनका सब चीज़ ठीक है, उनका मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है? आपका नंबर आएगा, आप एलिजिबल हो, आएगा, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन्होंने गलत भरा है उनके लिए है, ठीक है? काफ़ी कैंडिडेट बोलेंगे कि भैया मेरा नाम नहीं है, तो भाई आपने गलती नहीं किया, इसलिए आपका नाम नहीं है, आप सही हो, आप सही तरीके से फॉर्म फिलअप किए हो। ये लोग गलतियाँ किए हैं इसीलिए इनका नाम आया, ठीक है? तो ये देख सकते हो अच्छे खासे, मतलब काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है। BA हिस्ट्री ऑनर्स का तो अच्छा खासा रिकॉर्ड तोड़, मतलब कि फॉर्म फिलअप हुआ है। और अभी ये करेक्शन वाले के लिए इतना है, सीटें हैं सिर्फ, एकदम लिमिटेड सीटें हैं, सीटों की संख्या वाला वीडियो मैंने बताया है, तो आप देख लीजिएगा। सीटों की संख्या काफ़ी मतलब लिमिटेड है, और तभी भी इतने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, तो आप समझ सकते हो मतलब कि क्या ही बोला जाए इसमें। सीट मतलब 60 सीटें हैं, अभी मैंने निकाल के देखा आपके लिए, ठीक है? मैंने नोट डाउन करा था, तो 60 सीटें हैं हिस्ट्री के लिए। आप देखिए इतने कैंडिडेट, मैं दिखाता हूँ, वेट अ मिनट, कितने कैंडिडेट हैं। माई गॉड, लास्ट ईयर से इस साल काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ मतलब एप्लीकेशन आए हुए हैं, देख सकते हो। 429, हाँ 451 कैंडिडेट का इसमें गलती आया है, और काफ़ी कैंडिडेट जो सही फॉर्म भरे होंगे तो वो समझ लीजिए, तो मान कर चलिए लगभग 2 से 3 हज़ार कैंडिडेट अप्लाई किए हैं 60 सीटों के लिए। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं अपने अनुसार, हो सकता है ज़्यादा भी, 60 सीटों के लिए उतने कैंडिडेट अप्लाई किए, तो कट ऑफ आप समझ सकते हो कितना जाने वाला है, समझ सकते हो। ऐसे ही आपका गया हुआ है, तो अब जिनका भी है ठीक है, आप सही कर लीजिए, देखिए आप आपका मेरिट में नाम आता है या नहीं आता है, ठीक है? तो चलिए, यही इन्फॉर्मेशन देना था आपके लिए। बाकी CVT से रिलेटेड जो भी जामिया का अपडेट आएगा इस चैनल पर मिलते रहेगा। बाकी सीटों की संख्या, फीस स्ट्रक्चर देखना है तो वाला वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाइए, JMI न्यू दिल्ली अपडेट करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया वहाँ पर आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वहाँ पर देखिए, ठीक है? तो चलिए, तब तक के लिए यही वीडियो रहता है, फिर जहाँ पर भी कन्फ्यूजन है आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो। चलिए, बाय, ऑल ऑफ यू।